जान जोखिम में डाल कोरोना संक्रमितों की दिन रात सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों बजट का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 10,000 कर्मचारी प्रभावित हुए और शाजापुर में भी करीब 80,000 कर्मचारियों पर इसका असर दिखा। लिहाजा इन कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भीख मांगकर और नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादा घातक साबित हुई कोविड की दूसरी लहर में हमने अपनों से दूरी बनाकर कोरोना वार्ड में पीड़ितों की सेवा की और उन्हें उम्मीद नहीं था कि उस सेवा का उन्हें ऐसा फल मिलेगा। आज हम शाजापुर के सभी कोरोना योद्धा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने बजट का हवाला देके हम सभी कोरोना योद्धाओं को बाहर कर दिया है नौकरी से। सरकार एक तरफ बेरोजगार रोजगार देने का वादा कर रही है और एक तरफ 10,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। शाजापुर जिले में अभी आपके सामने वीडियो में बोला मैंने, हर शाजापुर के किसी न किसी के घर में जाके हमने सेवा करी है, कोविड में बहुत सेवा करी। आज हम विरोध से सरकार के लिए बजट नहीं है, इसलिए आज हम भीख मांग के सरकार को बजट का पैसा इकट्ठा करके हर जिले से MP के 51 जिले से पैसे इकट्ठा करके सरकार खाते में जमा करवाएंगे। सरकार के पास बजट तब तो इकट्ठा होगा जबकि वित्त मंत्री जी बोल चुके हैं कि है उनके पास बजट, उसके बाद भी सरकार हमारे फेवर में कोई आदेश देने को तैयार नहीं है। आज हम उसके विरोध में पूरे शाजापुर में भीख मांग के सरकार का विरोध करेंगे। सैंपलिंग और वैक्सीनेशन सहित अन्य वार्डों में सेवाएं दे चुके कोरोना योद्धाओं को 31 मार्च को सरकार ने बजट से बाहर कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने बजट नहीं होने की बात कहकर हमें बाहर किया, इसलिए हम विरोध स्वरूप भीख मांग रहे हैं ताकि सरकार का बजट बढ़ा सके। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में दुख झेल चुके शाजापुर ने अकेले अप्रैल महीने में ही कई लोगों को खो दिया था। समाचार प्लस के लिए शाजापुर से दिलीप स्वराष्ट्र की रिपोर्ट।